नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने 3G 4G फोन के अंदर 5G चला सकते हैं या 5G की स्पीड का मजा ले सकते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई लगातार वीडियो मिलती रहे। दोस्तों घंटी के निशान पर टच करना ना भूलिएगा। दोस्तों यहां पर हम बताएंगे कि आप किस तरह से अपने पुराने 3G या 4G फोन के अंदर 5G की स्पीड का मजा ले सकते हैं बिना अपने फोन को बदले। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 5G अब लॉन्च हो गया है और बहुत सी जगहों पर 5G चलने भी लगा है, उसके लिए लोग 5G का फोन भी खरीद रहे हैं या होड़ कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास 3G फोन है या 4G फोन है तो आप उसी में 5G की स्पीड का मजा ले पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको यहां पर बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक इसको जरूर देखिए। दोस्तों हम यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर 5G, 4G या 3G का मतलब क्या होता है। दोस्तों 3G, 4G, 5G का मतलब आपके इंटरनेट की स्पीड का मतलब होता है। दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि पहले 2G आया था, फिर 3G आया तो आपके 3G की स्पीड थोड़ी फास्ट थी, फिर उसके बाद 4G लॉन्च किया गया तो आपके 3G की स्पीड स्लो हुई और 4G लॉन्च हुआ। अब जैसे कि 5G लॉन्च होने वाला है या हो गया है तो आपने अनुभव किया होगा कि आपके 4G की स्पीड अब धीरे धीरे कम हो गई है, यानी कि अब जब आप 5G यूज़ करेंगे तो आपको वो लगेगा कि हमारी स्पीड तेज़ हो गई है, जबकि हमारे 4G जब हमारा पहले लॉन्च हुआ था तो उस टाइम भी हमारे 4G की स्पीड फास्ट बताई गई थी। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से आप अपने 3G 4G फ़ोन के अंदर 5G की स्पीड का मजा लेंगे। तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसे वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसको आप यूज़ कैसे करना है पहले आप इसे समझ लीजिए। दोस्तों देखिए ये एक 5G स्पीड ब्राउज़र है, ठीक है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से और दोस्तों इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरह से ये चलता है। दोस्तों यहाँ पर काम क्या करता है या किस तरह से इसको यूज़ करना है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपने नॉर्मल ब्राउज़र के ऊपर कुछ काम करके दिखाता हूँ। आपको थोड़ा जज करना है, थोड़ा आपको ध्यान लगाना है कि कहाँ पर इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने सिंपली गूगल ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ जो मेरा नॉर्मल ब्राउज़र है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने LPG में यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने LPG के ऊपर क्लिक कर दिया। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कितना टाइम यहाँ पर ये लोड होने में लगा रहा है, ठीक है। देखिए आप अब देखिए कम से कम 2 सेकंड 2.5 सेकंड में ये लोड हुआ ये पेज, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको बैक कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने 5G ब्राउज़र के ऊपर जो कि ये रहा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने 5G ब्राउज़र को क्लिक कर लिया है, अब ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ सर्च करेंगे, जैसे कि हमने वहाँ पर सर्च किया था LPG, सर्च किया था हमने वहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी गूगल पर LPG लिख देते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर LPG लिखा और देखिए LPG लिखते ही ये वही पेज आ गया और पहले लाइन पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि विद इन अ सेकंड, यानी कि 1 सेकंड से भी कम समय के अंदर ये पेज लोड हो गया, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ और चीज़ एक सर्च करके देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं PMAY, ठीक है। PMAY हमने यहाँ पर सर्च कर लिया जो कि हाउसिंग, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की है। देखिए क्लिक करते ही ओपन हुआ था और पहले नंबर पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए कितना टाइम लगेगा आप उसको नोटिस कीजिए, ये मुश्किल से 2 या 2.5 सेकंड यहाँ पर इसको लगा इस पेज को ओपन होने में। तो चलिए हम इसको बैक करते हैं। अब हम अपने नॉर्मल ब्राउज़र के ऊपर आ जाते हैं। नॉर्मल ब्राउज़र पे हम भी यहाँ पर सेम यहाँ पर PMAY लिखेंगे, ठीक है। PMAY हमने यहाँ PMAY लिखा, देखिए ये पेज आ गया। अब यहाँ पर हम पहले नंबर पर ही क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 यहाँ पर 3 अभी भी लोड हो रहा है, देखिए, और 3-4 सेकंड हो चुके हैं, अभी भी यहाँ पर लोडिंग चल रही है। ऊपर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए अभी तक पूरा पेज लोड नहीं हुआ और अब जाके ये पेज लोड हुआ है, यानी कि 4 सेकंड इसमें लग गए हैं पेज लोड होने में। दोस्तों आप इसको एक बार अनुभव कीजिए, एक बार इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए। बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है लेकिन बहुत कमाल की एप्लीकेशन है। दोस्तों ये आपके फ़ोन के अंदर जो ब्राउज़र है उसकी स्पीड को फास्ट कर देगी और आप जो है अभी से ही, चाहे आपका फ़ोन 3G हो, 4G हो, कोई सही फ़ोन हो, आपके फ़ोन की जो इंटरनेट की स्पीड है वो 5G के मुकाबले हो जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई सुझाव हो तो हमें आप लिख सकते हैं और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।